अस्सलामु अलैकुम खवातीन हजरात, भैया आज हम लोग उड़ाएंगे पतंग। ये हमारे साथ है पतंगबाज, 4 साल पुराना पतंगबाज है। नहीं नहीं यार, कुछ भूल चुका हूँ भैया। इस वक्त हम लोग नॉर्थ कराची की गलियों में मौजूद हैं और हम यहाँ आए हैं आज पतंग लेने, पतंगबाजी करेंगे। भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, ये पतंग की दुकान है, यहाँ से फैसल भाई सद्दी ले रहे हैं। ये पतंगबाज नंबर 1 है, पतंगबाज नंबर 2 है और मैं हूँ उनका असिस्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं आता। तो अभी मांजा मांजा चेक कर रहा है, क्या सीन है देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, हमने कुछ पतंगे यहाँ उठा ली है, यहाँ से और पतंगे सिलेक्ट हो रही है। फैसल भाई रेडी है आप? सर रेडी है, आप सिखाएंगे सब कुछ आप ही। इसमें देखो बहुत सारे टर्म्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या? ठीक है, एक तो खिंचाई वाला मांजा होता है, एक घी वाला मांजा होता है, ठीक है। एक पतंग ओके होती है, एक लुपक होती है। लुपक? हाँ लुपक होती है। कन्ने अगर आपने बांधने हैं थोड़ा सा आगे की तरफ आगे करके तो घूमती है। और वो सर पे रख के वो क्या करते हैं, वो क्या देते वो करते हैं ऐसी? नहीं नहीं, लुगाई दे, क्या दे, उड़ाई दे, वो तो दुर्गाई तो ऐसी दुर्गाई। अरे भाई ये जो वर्ड था ना ये भूल गया था मैं। भैया ये चरखी ले ली हमने मांझे की, एक और बाइक साहब के हाथ में है, पीछे हमारे जो लौंडे आ रहे हैं वो पतंग लेके आ रहे हैं, सद्दी लेके आ रहे हैं, चेपी लेके आ रहे हैं। बस इज्जत रह जाए, पतंग उड़ जाए मुझसे। नहीं नहीं वैसल भाई कर लेगा तू इंशाल्लाह, बचपन का ख्वाब था मेरा पतंग उड़ाना, नहीं किया बचपन में, अभी करूंगा पूरा। पतंग हम लोगों ने ले ली है और अब जा रहे हैं। फैसल भाई कहाँ जा रहे हैं? पहले नमाज पढ़ेंगे मेरा भाई, उसके बाद ग्राउंड चलेंगे। बिल्कुल ये बात भाई, ये कन्ने बन रहे हैं यहाँ पर। ये फैसल भाई दुर्गाई दे रहे हैं और हमारी जो है ना, ओ कहाँ गई, ओए वेरी गुड भाई वेरी गुड। स्टार्ट हो गया ना हमारा गेम, चलो 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 चलो। टीम बी जो है ना हमारी वो है, ये है टीम बी। ये देख टीम बी हार गई, पटकी पड़ गई इनकी पतंग, टीम बी पहले ही हार गई। अबे जाओ लाना तो, ये देखो पड़ गई। समझ रही हो, पहली बार था मैं ओए उड़ाने जा रहा हूँ पतंग, सही उड़ा रहा हूँ ना, आप ना जैसी पतंग गिर रही हो ना किसी डील देके जो ना देखे ऐसे हो ना, फिर खींच मारेंगे ऊपर चले जाएंगे। खींचना है तो ऊपर जाएगी, खींचना है और राइट लेफ्ट में क्या करना, इंडिकेटर देना। क्या बोला तूने? राइट लेफ्ट में क्या करना, इंडिकेटर देना। हल्की सी ढील देखे, देखे जैसे हल्की सी ढील दी पतंग इधर आई तो मैंने राइट राइट पे ले। अच्छा अच्छा, और ये मैंने फैसल भाई से, वो फैसल से लग रहा है, फैसल तो दूसरी टीम में चला गया यार। ढील दे वो सल, जल्दी सही सही से ढील दे यार, हमारी पतंग गिर रही है, कभी मैं इस टीम में आ रहा हूँ कभी उस टीम में आ रहा हूँ, चलो लड़ा दो बेचा। अरे ओ तो भाई मैं अब दुर्गाई देने जा रहा हूँ फैसल भाई को। तू दुर्गाई पैसे छोड़नी है ना, ये मेरा भाई, ये होती है दुर्गाई, गेम ही है ये दुर्गाई का, पतंग पतंग उड़ाना तो बच्चों का काम है। ये रहा फैसल भाई का गुड्डा है, ये पतंग है ना, लेकिन तू उड़ा ले तो फिर बात है ना, दिखा गया तू उड़ा ले तो फिर बात है फैसल भाई। तो गई और कैसे उड़ेगी, बहुत आला। ओके 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक टीम वो है, एक बंदा वो उड़ा रहा है हमारा और एक जो है ये उड़ा रहा है फैसल भाई की, ये है ग्रीन वाली, ग्रीन और ब्लैक। लड़ा 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 फैसल, नहीं 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 नहीं, ओ काटा, काट दिया फैसल। अरे बहुत आला, वो जा रही कहाँ है यार, ये जो कटने के बाद जो लपेट रहे होते ना वो होता है असल गेम, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। काट दिया भाई फैसल ने, ये जो लपेट रहे ना आप, क्या कोई बर्ड नहीं हुए, काटा है दोबारा, देखो अट रही है, जोड़ा तो सही, कट गई हमारी पतंग, दोबारा आना दोबारा। बचपन में आपके भाई का रोल पता क्या था? मेरा बचपन में ये रोल था कि मेरा जो घर था ना उसके पीछे से जो है लड़के पतंग उड़ा रहे होते थे, तो मैं सिर्फ जो है ना पत्थर मार के उनकी डोर खींचता था और पतंगे जमा करता था। बड़ा हरामी हो बेटा, और काट दिया। अरे भाई साहब काटो काटो फैसल, काटो काटो, क्या हो गया, अबे क्या हो गया, पैर में डग गया फैसल, काट के आइयो, ये गुड्डा हमारा घूमे आ रहा घूमे आ रहा घूमे आ रहा है, वो काट दे। अबे यार ये क्या हो गया, अबे तू अबे साले तू इतनी ऊपर कैसे आ गई थी जल्दी, मैंने वो उड़ा ली थी। अच्छा अबे यार गुड्डा चला गया यार, अबे मुझे यही पता चल रहा है कि वो लड़ाई हुई भी है।
मेरी 12 साल की डोर है, वो आगे वो ब्लैक वाले जिसपे काटी है ना अभी आगे, वो डोर लगी हुई है मेरी। अच्छा, तो वो आप हमें क्यों नहीं दे रहे? तो मैंने दी तो है उनको, मुल्ला भाई कहाँ है, उनको दी तो दी। अच्छा यार, ये देखो बच्चे बच्चे ले रहे हैं यार। कह रहे वैसल भाई, तूने एक काटी ना, एक बंदे की काटी ना, बहुत आला है, बहुत आला। मैंने ये जो है ना, जितने भी गेम्स होते हैं, खेल होते हैं ना, ये बचपन में मैंने नहीं खेले। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि बेसिकली मैं था एक बहुत ही शर्मीला बच्चा। मतलब गली में अगर बच्चे खेल रहे होते थे ना क्रिकेट भी, तो मैं जो है ना वो छत पे खड़े होकर देखता था, और उनमें से भी कोई अगर ऊपर जाके मुझे देख लेना तो मैं पीछे हो जाता था। वो लड़कियों वाली पता नहीं क्या सीन था, क्यों ऐसा समझ में नहीं आया। तो ये वो सारे वो चीज़ें हैं, मतलब मैंने आपको बताया ना कि पतंगे उड़ रही होती थी तो मैं उनको खींच खींच के रख लेता था अपने पास। बस वो था कि एक दिल में ख्वाहिश थी ना कि मैं मुझे भी उड़ानी, लेकिन आती नहीं थी उड़ानी, और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता क्योंकि शर्म आती है। तो ये वो सारे जो है ना शौक है ना, ट्रैवलिंग हो गई, ये सारी चीज़ हो गई, ये आज आपको भाई पूरा करना है। ये कोई बारादारी जोर है जो इस बच्चे ने हमें दे दी है। बारादारी ये कह रहा है कि ये फाड़ देगा। मैं तो समझ रहा था ये बारादारी से लेके आया। Shut up. ये देखो भाई, ये होता है गुड्डा और ये है नीचे शोर और रश। और ये कोई बहुत ही बाप गुड्डा है। वही गुड्डा था जो थोड़ी देर पहले लोग लूट रहे थे, हमने उस बंदे को लूटने दिया, उसके बाद उसको 100 रुपए दिए और उससे गुड्डा ले लिया। कसम से बचपन के जितने भी वर्ड थे ना वो सारे रिवाइव हो गए, कि लंगर नहीं मार, कन्ने दुर्गाई, और खड्डा खड्डे पता नहीं क्या बोलते हैं वो, और मांझा सद्दी, और फन्ने का मांझा। भाई इसको मैंने सिखाया, बाप जी पकड़ लो गुड्डे की ऐसी तैसी करने के लिए। ओए होए होए ऐसे करने ऐसे कर लो, मार देगा तू। भाई यूं पकड़ा लो। हाँ, ये क्या बात है, क्या क्यों पकड़ा रहा हूं? ये बताओ लेफ्ट राइट कैसे पड़ते हैं थोड़ा सा कीजिए। अबे ये आ रहा है, ये आ रहा है, पकड़ो, ये आ रहा है, दे इधर साला। बोला था अभी नहीं लड़ाना, कच्चे खिलाड़ी हूं मैं, हमारा गुड्डा काटने के चक्कर में हो रहा, हमारा प्यारा गुड्डा। लाल है भाई, लाल है। ओ काटा, अरे काट दिया, अरे काट दिया, अरे गुड्डे ने काट दिया, अरे मेरा तारी दरबार ने काट दिया, काट दिया भाई, काट दिया। उस पार्टी का काटा, ये पार्टी, ये देखो लपेटने में मशगूल। और हमारा गुड्डा पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है आफ्ताब में, किधर ये बहस का टका आगे रहा। अबे मुझे बताओ ना यार क्या करना है, थोड़ी ढील दे, ढील दे दी, सही है। हाँ। उसका मुंह मुड़ेगा तो नीचे की तरफ कर। अबे ये क्या, अबे ओए क्या हुआ, अरे यार क्या हुआ, इन्होंने देखा कि हल्का बंदा उड़ा रहा है, इन्होंने नहीं, नहीं, हत्ता कहते हैं, हत्ता मार दिया, हत्ता मारना कहते हैं। हत्ता क्या होता है? ये पीछे से अभी नीचे नीचे उड़ा के उसने खींच दिया हमारी आगे, पता तो गलत है ना यार वैसे भाई, क्या करें अब, क्या गलत सही रूल्स है नहीं लिखा। रूल छोड़ी के पट्टा कर लिया, डोर तो कट गई लेकिन हमारी पतंग अभी भी उड़ रही है क्योंकि इसने लपेट ली है भाई। मैंने कहा है पतंग दोबारा उड़ा उतार के दे, 200 रुपए देंगे। वैसे 200 रुपए की इनको लगा दे क्या भाई, पतंग दोबारा उतार के दे दो, 200 रुपए मिलेंगे। बोलो ओ, अरे ओ भाई, अरे 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 ये ये लिया लिया, पतंग आ गई, पतंग लूटी है बाबा, पतंग लूटी, दिखा दिखा दिखा, काटा 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 सही तफरी है। ये फैसल भाई जो है ना, ये बदला लेने आए थे, वो एक बंदे ने हमारी पतंग काटी थी तो फैसल ने बदला लिया। अरे लो लो भाई, लो 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 लो, ये भी मेरी गलती है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। किसकी कटी, कट गई क्या, कन्ने टूट गए, अरे जख्मी, अरे जख्मी, अरे यार फैसल ये क्या है यार, जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ उसी वक्त तेरी पतंग तो फट जाती है, गिर जाती है। तो देखिए इसमें एक चीज़ ये है पतंग उड़ाने में, क्योंकि इससे इसकी डोर से बहुत से लोगों के गले कटते हैं, खासतौर पर जो बाइकर्स होते हैं, बाइक वाले होते हैं, उनके गले कट जाते हैं। बेहतर ये अगर आपको उड़ाना है ना तो घरों से ना उड़ाएं, आप किसी पार्क या ग्राउंड में आएँ ताकि जब आपकी पतंग कटे ना तो आप उसका मांझा ईजिली खींच सकें। सही है, तो उससे क्या होगा कि जैसे बोले आपका खेल का खेल भी होगा, किसी की जान भी जो है ना वो ज़ाया नहीं होगी। आज हम लोग उड़ा रहे थे पतंग, फैसल भाई एक बचपन का वो था, खेल था, ख्वाब था, वो पूरा हुआ।
ऐसे ही कोई और मुझे बताया कोई बचपन का जो हम आज पूरा कर सके उस वक्त ना कर सकते हो जो यार वो अगर रुक जा मान जा दे बोले बोले यार वो कभी नहीं किया वो जो कैरम खेलते हैं स्नूकर खेलते हैं वो नहीं करा वो कभी नहीं मैंने नहीं किया अरे मैं गया हूं वो टोकन वाले गेम पे गया हूं उसमें भी पीछे चलो नेक्स्ट वो करेंगे पठान भाई आ गया था सही है पठान भाई आ गया था सही है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है चलो भाई मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में बहुत मजा आया और बहुत सारे पतंगे काटी अपनी भी कटवाई मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में अफ्तार करने जा रहे हैं अल्लाह हाफिज़।